everyone out there, lovely ladies. I would like to wish you all a very happy Women's Day to all my lovely friends over there who is always with me. Couple of them, so he knows me more than me. So thank you so much, and I wish you all have a wonderful, wonderful life, and God give you whatever you want. बस उसके साथ साथ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, as you know, कुछ ना कुछ पंगे होते हैं. बहुत पहले मैंने एक नज़्म लिखी थी, किसी को तकलीफ में देखा था, तो हवा की बेटी. मैं आज वो आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे हम विमेंस के हवाले से. तो मैं आपके सामने ये वो एक छोटी सी, मेरी छोटी सी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन बहरहाल मैं आपके सामने इसको पेश करती हूँ. इसका नाम है हवा की बेटी. मैं वहाँ मगरिब में पैदा हुई, वहीं परवरिश पाई, वहीं की मिट्टी की खुशबू मेरे अंदर बसती है. वहाँ के दरियाओं का पानी जिसने मुझे सैराब किया, तखय्युल से दूर हकीकत की दुनिया में. मैंने बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी, लेकिन जब मेरे पार्टनर ने रास्ता बदला तो मैं टूट गई, बिखर गई. दुनिया कहती है यहाँ जज्बात की कोई कीमत नहीं, पर मेरा दिल जज्बात से पुर है. मगर ये भी हकीकत है कि बेवफाई का इल्ज़ाम मेरे सर, मुझे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतनी है. ऐ मगरिब की बेटी, अभी मगरिब की बेटी जवाब दे रही है. ऐ मगरिब की बेटी, तुम कहती हो मगरिब जदगी ने तुम्हें अंधेरों में ढकेल दिया. आह, ये मशिक वाले क्या कम हैं? यहाँ तो सीता तक को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, मरियम ही इन्हें बेगुनाही साबित नहीं की, और फिर हमारी माँ तो अजल से मुलजिम ठहरी. तो ऐ मेरी गमजाद, गम न कर, हव्वा की बेटियों के नसीब यकसा होते हैं. ख्वाह वो किसी खित्ते में हो, उनकी बेटियों की को बेगुनाही अबद तक साबित करनी है अपने खुलूस और खिदमतों से. फिर ये भी कोई गारंटी नहीं कि हमारी पारसाई मुश्तबा न होगी, मगर हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए कि हमारी बेगुनाही और हमारी पारसाई साबित करने फरिश्ते नहीं आने वाले. तो फिर ऐ मेरे गमजाद, गम न कर, हव्वा की बेटियों के नसीब यकसा होते हैं. दर्द दिल से दर्द जा तक, दर्द जा लेबर पेन. तो दुनिया में किसी भी खित्ते में किसी भी कास्ट और रिलीजन की या किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में लेबर पेन का पेन सेम है हर औरत का, और ऐसा ही दिल टूटने का. तो ये एक चीज़ है जो तमाम दुनिया की औरतों में, चाहे वो काली हो, पीली हो, नीली हो, गोरी हो, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ज्यूश है, ये दो दर्द ऐसे हैं जो हर औरत का सेम होता है. और ये भी हकीकत है कि दर्द यानी लेबर पेन के लिए खुद उस बच्ची की माँ दुआ करती है कि हमारी बच्ची को अल्लाह या भगवान गॉड औलाद से नवाजे. तो वो नहीं सोचती है कि जब औलाद होगी तो उसकी पेन भी होगा. तो इट डजंट मीन कि माँ जो है वो थोड़ा रूड हो गई या सेल्फिश हो गई. नो, ये साइकिल है लाइफ की और इसको ऐसे ही चलना है. तो जाहिर है कि उसमें जो पेन है हमारा औरतों का वो सेम है. अभी मैं औरतों के हवाले से एक दो चीज़ें हैं जो हमेशा मेरे जहन में
خودبداتی رہتی ہیں, میرے ذہن کے خلیوں میں اصل میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور سم ٹائم ان کا جواب مل جاتا ہے, سم ٹائم نہیں مل پاتا ہے. لیکن ایک چیز میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر ہم بہت شروع سے ہسٹری, جہاں تک یا جہاں سے ہسٹری لکھی جاتی رہی ہے, عورت کے بارے میں بے شمار چیزیں ہیں کہنے کے لیے, اور عورت کو بے شمار طریقوں سے فزیکلی, ایموشنلی, باڈی اس کی بہت کمزور ہے, شی نیڈز یو نو سم بڈی ہو پروٹیکٹ, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ ہسبینڈ ہو, یا بیٹا ہو, یا باپ ہو, اس کی زندگی کے چاروں ادوار میں اس کے لیے کوئی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بہت شروع سے ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب بدلاؤ آ رہا ہے, یا یہ ہے کہ اب عورت کی جو تبدیلی ہے, تبدیلی تو بہت اول روز سے ہوئی ہے, مگر آج کی تبدیلی کو ہم اس لیے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کمیونیکیشن کے بے شمار ذریعے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا, تو جہاں عورتیں کہیں 2, 4, 6, 8 کرتی تھیں کچھ کام, یا آگے آتی تھیں یا ہیلپ کرتی تھیں, تو اس کی نیوز دوسرے خطے تک پہنچنے میں پریشانی ہوتی تھی. پھر بہرحال مرد کا جو پاور تھی, وہ بھائی بن کے, باپ بن کر, بیٹا بن کر اور ہسبینڈ بن کر سب سے زیادہ سختیاں ہوئیں عورت پر. اور پھر اس کے بعد عورت نے اپنی ذلت کو محسوس کیا اور باہر آئی اور اس نے بات کی. مگر ایک چیز, فیمنزم کے نام سے میں عورت کی آزادی کے بالکل خلاف نہیں ہوں. ایم ون آف دا بگیسٹ سپورٹر آف ویمن فریڈم, لیکن یہ بھی میں مانتی ہوں کہ فریڈم کے نام پر عورت کو جو بالکل ننگا کر دیا ہے, یا بالکل اس کے کپڑے اتار دیے ہیں, وہ مرد کو سوچیں نہ سوچیں, وہ ان کا بزنس ہے, ان کا کام ہے, ان کا ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا میں خاص طور سے کپڑے اتار دیے گئے ہیں. تو لیکن ایک چیز ہے, یہ عورت کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا پہننا ہے, میرے لیے کیا بیسٹ ہے, یا مجھے, میں کس چیز میں کمفرٹیبل ہوں. اس لیے نہیں کہ میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں کہ لیڈیز بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں سرٹن کائنڈ آف کلوز میں, لیکن وہ پہنی ہے کیونکہ وہ فیشن ہے اور سب پہنے. اگر وہ نہیں پہنیں گی تو دے ول بی بیکورڈ, کوئی ان کو بلائے گا نہیں. یار اگر پارٹی میں کپڑا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر جانا پڑ رہا ہے, تو پارٹی چھوڑ دیجیے ایسی. لیکن بہت کم خواتین ہیں جو اس طرح کی ہمت کر پاتی ہیں, یا اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں, یا ان کی وائز اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں, میرے کپڑوں کی وجہ سے تم میرے کو انوائٹ نہیں کر سکتے. رائٹ, تو یہ سیلف رسپیکٹ عورت کے اپنے اندر ہونی چاہیے, اور ضرور ہونی چاہیے. اگر وہ ماڈرن کپڑے پہن رہی ہے تو وہ اس کا کمفرٹ زون ہے, وہ شی ول ناٹ ویئر دیٹ کائنڈ آف کلوز بیکاز دس از اے فیشن, دس از اے ٹرینڈ. چاہے ہم انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں, ہم پہنیں گے. وہ غلط ہے, وہ میں اس کو میں آئی کین ناٹ گو آؤٹ فرام مائی کمفرٹ زون, دیٹس دا پیریڈ. نو میٹر کوئی بلائے نہیں بلائے. مجھے یاد آ رہا ہے, جو لوگ عصمت چغتائی کو جانتے ہیں, عصمت نے فلمیں بھی بنائی, شاہد صاحب کی شادی سے شادی ہو گئی تھی, چڑیا کیا, اور ایک بڑی اچھی فلم ہے, گرم ہوا کے ڈائلاگس بھی لکھے ہیں, اسٹوری بھی تھی, اسٹوری پر بھی ہیلپ کی تھی انہوں نے. تو وہ ممبئی گئی, کافی مشہور ہو گئی تھی, ان کو انوائٹ کیا گیا کسی پارٹی میں. تو چونکہ اس وقت ابھی میں کہہ رہی تھی کہ اتنا کمیونیکیشن کا اتنا نہیں تھا کہ ہم سب لوگ جانتے کہ عصمت دکھتی کیسے ہیں, کیا ان کا اسٹائل ہے, کیسے کپڑے پہنتی ہیں, کس طرح کی جویلری پہنتی ہیں.
तो वो लोग जानते नहीं थे उस बार उस इतनी चीजें, कहीं कहीं पिक्चर्स देखी थी मैगजीन में रिसालों में, तो उसके हिसाब से वो पार्टी हुई। तो खवातीन मुंबई की बड़े कपड़े शपड़े और बेहतरीन बनारसी साड़ी, और इसमें साड़ियां बहुत पहनती थी कॉटन की लॉन वाली साड़ियां, कलफ वाली। तो वो तमाम लेडीज जो है वो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनी है, ज्वेलरी और डायमंड के सेट्स और क्या और क्या। अब इसमत जब पहुंची तो देखा कि जब वो गाड़ी में से उतर के अंदर आई हॉल में, तो पता चला कि वो उसी वाइट या क्रीम साड़ी, वही कलर, वही कॉटन की साड़ी, उनमें कोई लिपस्टिक कोई मेकअप कुछ नहीं था। पर इस्मत का नाम इतना बड़ा था कि जो ज्वेलरी और डायमंड पहने खड़ी थी उनको भी खड़ा होना पड़ा, क्योंकि इस्मत ने अपने किरदार में, अपने अंदर और अपनी वॉइस में वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उन्हें इन सब चीजों से उड़ गई थी, बाहर निकल गई थी। उनको जरूरत नहीं थी कि वो डायमंड के सेट पहन के बाहर जाएं, बगैर डायमंड के सेट के भी उनको हाथों हाथ लिया गया। शी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट पार्टी। तो वो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं अक्सर इस तरह की चीजें देखती हूँ इंडिया में भी, यहाँ भी। अभी हम लोग एक जगह गए हुए थे टेक्सास में, वहां भी मैंने फील किया कि यार जब आपसे आप कैरी आप नहीं कपड़े वो पहनो जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, लेकिन ये इश्तेहारबाजी ने पेज 3 पे आने के लिए जो औरत ने जस्ट बिकॉज ऑफ शो हर सेल्फ वो जो कपड़े उतारे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आता है। और वो फेमिनिज्म मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई मर्दों ने हमें बराबरी नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ हम वही कर रहे हैं जो मर्द चाह रहा है, बस वो जो नाक है वो यूं पकड़ के इधर से इधर आ गई है। तो आजादी यहां हो ख्यालात में, आजादी अमल में हो, क्या आप कर रहे हैं, औरत औरत के लिए क्या कर रही है, वहां आप दिखाइए कि यू आर फेमिनिस्ट। या तो हम एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं और सोशल लेवल पर जो है वो हम हमारी जो जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज है। तो मेरी समझ में ये आजादी नहीं आती है। वही मैं अभी मेरा जो जो दिल का दर्द की बात मैं अभी कर रही थी, वो उसमें सारे दर्द हैं। वो सिर्फ ये दर्द नहीं है कि औरत को आजाद कर दिया गया या औरत के कपड़े उतार दिए गए हैं फेमिनिज्म के नाम पर, या इश्तेहार और जो एडवर्टीजमेंट की दुनिया ने औरत को सबसे ज्यादा क्लोथलेस किया है, तो वो मैं नहीं डाइजेस्ट कर पाती हूँ आसानी से। लेकिन एक चीज और भी है इसके साथ साथ, और वो ये है कि जब आप अभी औरत जब पढ़ लिख कर बाहर आती है ना, जब उसकी आवाज स्ट्रांग होके बाहर आती है, तो उसको फिर कपड़े उस अहमियत ही नहीं रखते कि वो क्या पहनी है और क्या नहीं पहनी हुई है। अभी मैं बल्कि मैंने आज अपनी फेसबुक पे भी लिखा था, और मैं सुमेन सोलंकी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उसने मुझे फौरी तौर पर रिस्पांस दिया, सारी डिटेल मुझे भेजी। मैं ये देख रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माहौल में जितनी भी जो भी हमारे यहाँ पंजाब बिहार और यूपी के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें इस मर्तबा 1% और लेस हो गई है विमेन की पार्टिसिपेशन। जो विमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो 1% कम हो गई हैं पिछले सालों से, पिछली पार्टियों से। और 2012 में शायद 8% थी और अभी 7% है कुल। हालांकि होना ये चाहिए था कि इस वक्त जब औरत को आप इस कदर शोर कर रहे हैं देने का, तो फिर औरत को आपने कम से कम 20% 30% तो होना चाहिए था पार्टिसिपेशन, पर नहीं है। क्यों नहीं है इसकी वजह जानने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए कि आप फिल्मों में जाइए, वहां आपको 100% नहीं मिलेगा, तो कम से कम 50% तो पार्टनरशिप है वहां पर, और भी फील्ड्स में है, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है। तो
कहीं ना कहीं जो औरत के ऊपर अभी जो जो एक पितृसत्ता का जो एक माहौल है हमारे मुल्कों में, वो अभी बाकी है, वो कम नहीं हुआ है, घटा नहीं है, और उसमें कोई बहुत बड़ा मार्जिन या बहुत बड़ा फर्क आया नहीं है। और ये भी मेरी समझ में नहीं आया ऐसे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एटलीस्ट यूपी में कम से कम 15% पार्टिसिपेशन होगा वीमेन का, लेकिन पता चला कि वो तो पिछले इलेक्शन से 1% और कम हो गया। तो मॉडर्निज्म के नाम पे औरत कहाँ जा रही है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जो ख्वातीन अपने आप खड़े होकर अपने रास्ते बना रही हैं, जो ख्वातीन दूसरों का हाथ पकड़ कर लेकर चल रही हैं, उन तमाम जेन्युइन ख्वातीन को मेरे तरफ से बहुत बहुत हैप्पी विमेंस डे, कीप गोइंग, कीप हैप्पी हेल्दी, एंड जितना हो सके दूसरों को भी आप वो इनकरेजमेंट ज़रूर दें जिसने आपकी राह को आसान किया है या जो जिसने आपको बढ़ने का और चलने का मौका दिया है। मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि मैं हर रोज़ आपके साथ बात कर लेती हूँ। बेशुमार ख़वातीन हैं जिनको ये बात करने का मौका भी नहीं मिलता है, और अगर आप कहीं ऐसी खातून को देखें, किसी ऐसी लड़की को देखें जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर हेल्प करें। और बराए मेहरबानी, इफ़ यू आर विमेन एंड इफ़ यू फील द पेन, इफ़ समबडी हर्ट यू फील द पेन, डू नॉट गेट बैक टू एनीथिंग लाइक दैट टू एनी अदर वुमेन। अगर आप किसी का दर्द बांट नहीं सकती, कम नहीं कर सकती, तो उन्हें दर्द मत दीजिए। और ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा काम होगा अगर आज हम साल में एक दिन मनाते हैं, सबको विश कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है, दूसरे दिन से फिर हमारे वही काम शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप जो कुछ कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये सोशल मीडिया पे सिर्फ जो कार्ड्स आ जाते हैं ना कोटेशंस के, बस वो घूमते रहेंगे। अमल से बदलेगी लाइफ, कहने से और अल्फाज से नहीं बदलेगी। तो बस यही मेरा कहना है, आप सच्चे दिल से मत कीजिए, एक्सक्यूज कर लीजिए, मना कर दीजिए, हम नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह किसी को वादा करके काम ना करना या डच करना वो अच्छा नहीं है। क्लियर बात कर लीजिए, ये मॉडर्न वक्त है, औरत बैठ के बात कर सकती है, ऐसा नहीं है कि हम दो लोग बैठ के बात नहीं कर सकते, और दुनिया का ऐसा कोई मसला नहीं है जो बैठ कर बात करने से हल ना हो, तो है ही नहीं, बनाया ही नहीं है भगवान ने, अल्लाह ने, कि कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो बैठे और उसको सॉल्व नहीं कर ले। बट ऑनेस्टी इज द ओनली वे टू टॉक और टू हेल्प। थैंक यू सो मच, हैप्पी वीमेंस डे, एंड विश यू गुड लक फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबसे नवाजे, खुश रहें, हैप्पी रहें, वीकेंड आ रहा है, इंजॉय करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच सुमन सोलंकी फॉर योर प्रॉम्प्ट हेल्प। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइज़।